जिस तरह से वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी और चोरी पकड़ी गई है, उसको देखने के बाद भारतीय फैंस के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर किसी का गुस्सा ऑस्ट्रेलिया टीम और अंपायर पर फूट रहा है। लेकिन इस बीच बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के ओनर शाहरुख खान ने पहल करते हुए कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर। लेकिन अगर आप भी भारत के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में कई बेईमानी के आरोप ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर लग रहे हैं। रोहित शर्मा को नॉट आउट बताया जा रहा है, जबकि केएल राहुल के साथ भी कुछ वही सीन नजर आता है। लेकिन इतना ही नहीं, अंपायर ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को इतना सपोर्ट किया कि जो खिलाड़ी आउट भी था उसे भी नॉट आउट दिया। इसके बाद भारतीय टीम को डो यह ट्रॉफी गंवानी पड़ी। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम की बेईमानी को देखते हुए हर किसी की जुबान पर एक ही चीज है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में भारत के साथ ठीक नहीं किया। उन्होंने कहा, ऐसे बेईमान खिलाड़ियों को तो भारत में खेलने भी नहीं चाहिए, बल्कि मार्श ट्रॉफी की भी बेइज्जती कर ए हाथ में बियर की बोतल लेकर उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रखकर तोहीन करी है वर्ल्ड कप की इस ट्रॉफी की, जिसके बाद और भी ज्यादा गुस्सा लोगों का प्रचंड हो गया। लेकिन इस बीच शाहरुख खान ने यहां पर पहल करी है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से ताल्लुक रखने वाले शाहरुख खान ने कहा कि मेरी टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दिल दुखाया है, इसलिए मैं अपनी टीम करके अंदर नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के लिए। उन्होंने पैट कमिंस को भी रिलीज कर दिया है। आपको बता दें कि शाहरुख खान ने तो यह भी कहा, बेईमानी से 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ने वाले खिलाड़ियों के लिए हमारे दिल में कोई भी जगह नहीं है। मैं बीसीसीआई से भी यह मांग करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर रोक लगनी चाहिए और मार्श ट्रॉफी के साथ भी बेइज्जती करी, इसलिए आईपीएल में इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस तरह से शाहरुख खान ने बड़ी मांग करी है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, भारत के साथ बेईमानी करने के लिए क्या उन्हें आईपीएल में खिलाना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।